नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विस हेल्प। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक ऐसा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन के बारे में आपके पास शेयर करने वाला हूं, जिस एप्लीकेशन के बारे में फ्रेंड्स आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपके पास किसी भी वीडियो को आप किसी भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फ्रेंड्स अगर आपके पास किसी भी डाउनलोड वीडियो रहता है फ्रेंड्स यूट्यूब से, या किसी भी तरह से अगर आप डाउनलोड वीडियो करते हैं, तो फ्रेंड्स आप तो उस वीडियो को फिर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अपने पास से जो वीडियो को आप शूट करते हैं और फ्रेंड्स किसी भी गलती से उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं, और फ्रेंड्स आप सोचते हैं कि वीडियो तो अब मेरा वापस आएगा नहीं, और आप दिमाग को टेंशन में ले लेते हैं, तो फ्रेंड्स आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अगर देख लेते हैं आप लास्ट तक, तो फ्रेंड्स आप जान जाएंगे कि आपका वीडियो फिर से आप कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, या फिर वीडियो को कैसे आप वापस ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की प्ले स्टोर में जाना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल की प्ले स्टोर में यहाँ पे जा चुका हूँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सर्च करना है वीडियो रिकवर। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो रिकवर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वीडियो रिकवर लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे ऊपर वाला जो डिलीट वीडियो रिकवर वर्कशीट जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। तो फ्रेंड्स आप इंस्टॉल पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास पहला इंटरफेस यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इसको अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जितना भी वीडियो डिलीट है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। मतलब फ्रेंड्स आपका सारा वीडियो यहाँ पे ले आएगा। तो फ्रेंड्स आपको जिस भी वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा वीडियो यहाँ पे आ चुका है। फ्रेंड्स और भी वीडियो मेरा बाकी है, तो फ्रेंड्स वो भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे वीडियो आ चुका है। तो फ्रेंड्स जिस भी वीडियो को आपको वहाँ पे ले जाना है, सेव करना है, फ्रेंड्स आपको इसको ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकवर लिखा हुआ है, रिकवर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास सेव करने का ऑप्शन ऐसा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस एप्लीकेशन से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद फ्रेंड्स अपना यहाँ पे गैलरी को ओपन कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहाँ पे देख लूँगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा वीडियो यहाँ पे आ चुका है। फ्रेंड्स आपका भी वीडियो ऐसे ही कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर फ्रेंड्स अगर वीडियो का अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें।